नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। दोस्तों, छपरा से एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। सेना जवान जहां पर रूपेश कुमार सिंह जो हैं एक दुर्घटना का सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, जिसमें उनकी जान चली गई है। आपको बता दूं, इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है कि जब एक बेटा अपनी माँ का अभी कुछ वक्त पहले ही 2 हफ्ते पहले अपनी माँ के अंतिम संस्कार में छुट्टी लेकर घर आया था फौजी बेटा, और अब उसी फौजी बेटे के अंतिम संस्कार की जो है वो तैयारियां हो रही हैं, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे ज़्यादा शायद किसी भी परिवार के लिए दुख नहीं होगा। इससे ज़्यादा दुखों का पहाड़ शायद कुछ नहीं हो सकता कि एक ही परिवार में 2 हफ्ते के अंदर 2 अर्थियां उठी हैं एक साथ, वो भी आपको देखने को मिली। आपको बता दूँ कि कुछ वक्त पहले ही जो हमारे जवान थे, सेना जवान रूपेश कुमार सिंह जो हैं, वो अपने घर आए हुए थे। उनकी माँ का 29 अप्रैल को निधन हो गया था लखनऊ में, जिसके बाद 30 अप्रैल को उन्होंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, और उसके बाद से ही वो अपनी माँ के श्राद्ध कर्म में लगे हुए थे। जैसा कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार श्राद्ध कर्म होता है, जब घर में किसी का निधन हो जाता है उसके बाद किया जाता है, तो उसी श्राद्ध कर्म के तैयारियों में लगे हुए थे, दौड़ धूप कर रहे थे, दौड़ भाग कर रहे थे। आपको बता दूं कि ऐसा बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपने साली के साथ अपने घर से सिवान जा रहे थे किसी काम से, और उसी दौरान सड़क मतलब रास्ते पर एक पिकअप वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें कि उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि वो घायल हुए। वहीं आपको ये भी बता दूँ कि जो उनके साथ उनका जो साले थे, जो रूपेश कुमार सिंह के सेना जवान रूपेश कुमार सिंह के जो साले थे, उन्हें पिकअप ने बुरी तरीके से वहीं पर जो है वो कुचल दिया, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जो सेना जवान थे उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। अब बताया जा रहा है कि सेना जवान का शनिवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। ये बहुत ही दुखद है। आप खुद सोचिए कि एक बेटा अपनी माँ के अंतिम संस्कार को करने के बाद श्राद्ध कर्म के लिए घर आया हुआ था, और अब उस बेटे के साथ ही इतना दर्दनाक हादसा हो गया। शिवालिक जर्नल ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उस परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। शिवालिक जर्नल शहीद जवान रूपेश कुमार सिंह की सेवाओं के लिए उन्हें कोटि कोटि नमन करता है, सलाम करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।